तो ये एलईडी क्यूब है, ये क्यूब, ये बहुत सारे एलईडी से मैंने क्यूब स्ट्रक्चर बनाया। तो इसका जो सेंस है, इट इज ऑल्सो मेंट फॉर शोपीस, क्योंकि इसमें पैटर्न्स चलते थे व्हेन इट वाज वर्किंग। तो इसमें पैटर्न्स चलते थे, ये एलईडी वन बाय वन ग्लो होती थी, और इस पे वर्क करने से हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आता था पैरेलल और सीरीज कनेक्शंस। इसका सबको यूज समझ में आया? नहीं आया। ये शोपीस है जिसके अंदर एलईडी वन बाय वन जलती है एंड इट लुक्स प्रिटी। बस कौन से कलर में जलती है? व्हिचएवर यू वांट। दैट्स व्हाट आई एम कॉल्ड। ये अलग अलग कलर से यूज में क्वेश्चन है कि आगे वर्किंग में नहीं करती। हाँ, तो फिर ये जो क्यूब है, ये मैंने 3 बाय 3 बाय 3 बनाया, मतलब 3 एलईडी बाय 3 एलईडी बाय 3 एलईडी। तो फिर से टोटल में 27 एलईडीज है। यहाँ पे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये एलईडीज हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक एलईडी के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल, राइट? यस। इन सब के नेगेटिव टर्मिनल सोल्डर कर लिए, कनेक्ट कर लिए सारे। जैसे कि यहाँ पे ऐसे ये रॉड जैसे कनेक्टेड दिखेगा, थोड़े से दिख रहा है क्या? थोड़ा सा ऐसे कनेक्टेड लाइन में बना हुआ, जिसमें मैंने इन सबको कनेक्ट कर दिया था साथ में, ताकि ताकि जो ऐसे मेन पावर सोर्स है, ताकि मेन पावर सोर्स है तो उससे हर एलईडी पे पावर जाए। ये नेगेटिव टर्मिनल जो है वो सबके कनेक्टेड है। तो सारे जो क्यूब है, क्यूब में जितने एलईडी है, हर से हर एलईडी में पावर जाती है। तो एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, अगर मैं अगर ये एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल में लग जाए, देन द सर्किट शुड कंप्लीट और सारा क्यूब जलना चाहिए, राइट? तो फिर मैंने उसकी जगह क्या किया, मैंने ये ऐसे क्यूब्स ऑफ मारा, ऐसे 1 2 3, ऐसे 9 एलईडी हर ऐसे प्लेन में। ऐसे जो प्लेन है, इसके जो 3 एलईडी जैसे एक रो में ऐसे सीधा 1 2 3, मैं उन तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिया। तो उससे मेरे पास क्या एडवांटेज होगा, मैं से एक बार में एक रो को जला सकता हूँ। जैसे कि ये रो 1 मान लो, 2 3, तो मैं पैटर्न बना सकता हूँ। पहले रो 1 जलेगा, फिर रो 2 जलेगा, फिर रो 3 जलेगा। वैसे ऑटोमेटिक इसलिए हुआ क्योंकि आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट है, एक ऐसे सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर का जो क्या, हाँ मैंने कोड किया था जिससे ये ऐसे पैटर्न बना, वो भी बाद में समझाऊंगा। तो उसके वजह से क्या हो रहा था, एक बार में ये एक रो, फिर ये एक रो, फिर ये एक रो, ऐसे सारे के सारे रो जल रहे थे, बिकॉज ऑफ विच इट वॉज लुकिंग, मतलब पैटर्न अच्छा दिख रहा था। तो फिर मेरे पास, अगर मैं इन तीनों एलईडीज को 1 2 3, अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट कर दूँ तो मेरे पास ये लेवरेज आता था, ठीक है? तो फिर मैंने ये ऐसे हर ऐसे रो के लिए कर लिया, तो मेरे पास 9 रोज हो गए। तो फिर ये जो वायर्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये एक्चुअली नीचे से सोल्डर्ड थे हर एक रो के साथ, हर एक रो के साथ। तो उससे क्या हो रहा था, मैं से हर एक रो के लिए, जैसे रो 1 है तो मैं उसके लिए डिफरेंट पॉजिटिव वायर निकाल सकता हूँ, वैसे ही रो 2 के लिए डिफरेंट निकाल सकता हूँ, रो 3 के लिए डिफरेंट। और समझो यहाँ पे क्यूब है जो हर एक सेकेंड बाद एक डिफरेंट रो को ऐसे, मतलब एक डिफरेंट रो के कनेक्शन सर्किट कंप्लीट कर रहा। सो व्हाट वाज हैपनिंग इज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, यहाँ से वैसे सारे के सारे एलईडीज के तरफ ऐसे स्प्लिट होके जा रहे थे, बट मतलब सबसे ऐसे वापस से ऐसे आ नहीं रहा था, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसलिए वो जल नहीं रहा था। तो ये जो क्यूब, तो ये जो ऐसे बॉक्स है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे इट जस्ट, मतलब वो ऐसे एक रो को एक बार में जलने देता था। जैसे कि इस बॉक्स में कोड किया था कि पहले रो 1 को ऐसे 1 सेकंड के लिए जलने दो, फिर उसका रोक दो। तो पहले कनेक्शन बिल्ड हुआ, फिर उससे रोकने को कहा, तो कनेक्शन यहाँ अंदर टूट गया, ऐसे मतलब ऐसे वायर कनेक्टेड था टूट गया, तो वापस से जला, ये टूट गया। ऐसे हर एक ऐसे एलईडी के साथ हो रहा था, हर एक ऐसे रो के साथ ऐसे मैंने 9 रोज कनेक्ट किया था। तो ये चीज सबको समझ आई? बता। You said that you connected the negative wire to all the negative terminals of the LEDs. Yes. So it was a parallel connection. तो फिर सबसे पहले तो ये negative terminal यहाँ पे connected है, तो फिर वो ऐसे 3 layers में ऐसे separate हो रहा था।
पहले तो इस लेयर में जा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉटम लेयर, उन लेयर को माफ कर देता हूँ, ए बी सी। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तीन लेयर में स्प्लिट हो रहा था। सबसे पहले स्प्लिट हो रहा था ए लेयर में, फिर यहाँ से ऊपर जाके स्प्लिट हो रहा था बी लेयर में, और फिर यहाँ से ऊपर जाके वो स्प्लिट हो रहा था सी लेयर में। सो यू आर स्प्लिटिंग इट बाय कनेक्टिंग द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द एलईडीज टू लेयर। मैंने समझो कि ये एक नेगेटिव लाइन है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल्स की। तो फिर इट इज स्प्लिटिंग लाइक दिस। फर्क इतना है कि मैंने ये वायर को अभी इधर है, उसकी जगह मैंने इधर लगा दिया, समझे साहब। तो ये सबसे पहले ऐसे पैरेलली कनेक्ट हो रहा है, फिर ये और पैरेलली कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे जो यहाँ पे सी लेयर ले रहे थे, तो ये जो ऐसे पैरेलली ये कनेक्ट हो रहा था, ये इसमें भी जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आया, वो भी ऐसे हर एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे कनेक्ट कर रहे। तो फिर ये इसके साथ शेयर, नहीं मैंने गलत कर दिया, तो फिर ये से एक्चुअली ये था सीरीज में कनेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए और ये इन सारे ऐसे एलईडीज को ये ऐसे फ्लो कर रहे, समझ गए सभी। तो ऐसे मैंने पहले पैरेलली इनको ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किया, तो ऐसे हर एक में ऐसे एक लाइन में सीरीज, सॉर्ट ऑफ सीरीज में ऐसे सबको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दिए हर एलईडी को, ओके। फिर अब ये ऐसे पैड में, पैरेलल मतलब तीन में और फिर सीरीज में, फिर ये तो ऐसे नाइन रोज है ना, वो अगेन पैड में, क्योंकि हर एक ऐसे रो के लिए मेरे पास एक डिफरेंट ऐसे सर्किट है, वैसे सेम सर्किट में नहीं है कि मतलब ऐसे हर रो का ऐसी से ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ये फिर तो सारी एलईडी क्यों एक साथ चलती, उसकी जगह ये तीनों पैड में, समझ गए, गुड, ओके। तो सबको ये पार्ट समझ में आ गया कि कैसे ग्लो होगा, पैटर्न होगा। मैं एल्गोरिथम के साथ आगे जाऊं, किसके साथ एल्गोरिथम की मतलब मैं आर्डिनो में क्या किया अभी समझा दो। फॉर वन रो समझा नहीं, इधर आके पॉइंट कर पाता हूं। फॉर वन रो लेट्स से दिस वन एलईडी इज वन एलईडी एंड वन एलईडी, यस। So here then this is the positive terminal. Yes. The negative is connected. No. ये तो ऐसे एक outer line है ना, ये negative की है, और यहाँ पे इससे समझा देता हूँ, ये देख यहाँ पे ये जो ऐसे line दिख रही है, ये एक ऐसे square बनता हो, actually square नहीं हो, बीच में काटा हुआ है ताकि loop में जाए electrons, but square मान ले। तो ये सब negative है, जहाँ पे ये वाले जो वायर्स है, ये तीन वायर्स ऐसे अलग से जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे पैरेलली ऐसे फ्लो दे रहे, और फिर ये जो इससे दूसरा टर्मिनल है ना पॉजिटिव, दिस वन, तो इसका जो पॉजिटिव है, एक तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे स्क्वायर बना, दूसरा पॉजिटिव मैंने इसको ऐसे सोल्डर कर दिया था लाइक दिस। तो ऐसे तीनों के अभी हो नहीं पा रहा, लेकिन तीनों के ऐसे पॉजिटिव का मैंने रो बना दिया, ओके फाइनल। एनीवन हैज एनीथिंग टू आस्क? वो पूरा एग्जैक्टली उस तरह से समझ आएगा नहीं, बट अभी वो उतना ही समझा सकता है, उतना ही पॉसिबल है वो, तो मैं समझ आया थोड़ा बहुत भी। तो तीन लेयर्स पे पैरेलली करंट को फ्लो होने दे रहा है, एंड ऑन एवरी लेयर, ऑन ईच पर्टिकुलर लेयर एलईडीज आर इन सीरीज, एक के बाद एक के बाद एक, नीचे से ऐसे फेलर जैसे करता है। Done? Okay.